Hello everybody, मैं डॉक्टर रोजिल गांधी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट अहमदाबाद से। आज हम बात करेंगे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में। हमारे पास एक लेडी प्रेजेंट थी 35 ईयर ओल्ड, जिनको मेनोरेजिया था। मेनोरेजिया मतलब ज्यादा मासी करना और लंबे टाइम तक मासी करना। इसका कारण था उन्होंने सोनोग्राफी करवाई थी जिससे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स गर्भाशय की मतलब यूट्रस की सारी गठाएं थी जो बहुत सारी फीमेल लेडीज में होती है। इसलिए उन्होंने ट्रीटमेंट ऑप्शंस मल्टीपल देखे थे। इसमें से सबसे ज्यादा काइनेक्स उनको हिस्टेरेक्टॉमी की एडवाइस दी। हिस्टेरेक्टॉमी मतलब गर्भाशय निकालना। ये एक बड़ा ऑपरेशन है जो करवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ट्रीटमेंट ऑप्ट किया जो हमने करके पेशेंट इज फाइन नाउ। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्या है? इसमें हम एंजियोग्राफी करते हैं गर्भाशय की कोई भी गिने टाका चिरा के और पैर की नस से हम जाते हैं सिर्फ एक छोटी सी स्लिट में से। तो ये लेफ्ट साइड की गर्भाशय की नस है। जो ब्लैक चीज दिख रही है वो हाइपरवास्कुलर ब्लश है फाइब्रॉइड। तो इसमें लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, ना ही बेहोश करना पड़ता है। हम सुपर सिलेक्टिवली छोटे से 1 मिलीमीटर के माइक्रो कैथेटर से यूट्राइन आर्टरी मतलब गर्भाशय की नस में एंटर होते हैं और ये जो ब्लश होता है जो हाइपरवास्कुलरिटी होती है जो एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई होता है उसको हम बल कर देते हैं ताकि जो फाइब्रॉइड्स है वो इनएक्टिव हो जाए। एक बार फाइब्रॉइड्स इनएक्टिव हो जाए उसके बाद ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या और लंबे टाइम तक ब्लीडिंग की समस्या बंद हो जाए। तो ये मोर देन 90-95% सक्सेस रेट है ये प्रोसीजर। ये जो दिख रहा है वो पोस्ट एम्बोलाइजेशन पिक्चर है जहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लश था वो अभी नहीं दिख रहा, ये हमने पार्टिकल से एम्बोलाइज कर। तो ये प्रोसीजर बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव है। इसमें एक दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और 6-8 घंटा लेटे रहना पड़ता है। उसके बाद पेशेंट मूव कर सकता है, रूटीन एक्टिविटीज कर सकता है। इसमें कोई सर्जरी नहीं है तो मतलब कोई सूचर टाका चीरा प्रेशर भी नहीं है। ये प्रोसीजर वेस्टर्न कंट्रीज में तो लाखों हो चुकी है, इंडिया में भी अब बहुत बड़े पैमाने में धीरे धीरे शुरू हो रही है। थैंक यू।